differentiate. Question number 12, part 1. Sin inverse square root 1 plus x square upon 2. Question number 12, part 1. Y square root kitna hai? Sin inverse square root of 1 plus x square upon 2. Hai na? Isse dekhen. X square is equal to cos theta le lete hain. तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा sin इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2. अब cos थीटा का वो फार्मूला लगाते हैं जिससे कि 1 कट जाए ना. तो sin इनवर्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 1 प्लस cos थीटा के फार्मूला क्या होते हैं? cos थीटा फार्मूला क्या होता है? जैसे cos theta इक्वल टू होता है 2 cos square theta by 2 minus 1. इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं. इस फॉर्मूले से क्या होगा? 1 कट जाएगा. 1 क्या होगा? कट जाएगा ना. टेबल इसमें रख दीजिए तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा? y स्क्वायर होगा साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 अपॉन 2. तो प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2. 2 से 2 कट जाएगा तो साइन इनवर्स cos ऑफ थीटा बाय 2. ठीक है. साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2. ये जगह आपका साइन इनवर्स साइन पड़ जाएगा तो पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 हो गया. वाई स्क्वायर आप थीटा इक्वल से वापस कर दीजिए तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस 1 बाय 2. और थीटा इक्वल कितना होता है? यहां से थीटा इक्वल होगा थीटा इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स x स्क्वायर होगा ना. यहां cos इनवर्स x स्क्वायर लिख देते हैं ना. अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो d y / dx इक्वल टू हो जाएगा 0 - 1 / 2 d / dt. ठीक है. d / dx ऑफ cos इनवर्स x d / dx ऑफ cos इनवर्स x स्क्वायर. ठीक है. 0 - 1 / 2 * d / dt cos इनवर्स t dt by dx है. ठीक है. तो माइनस 1 बाई 2 आप ये हो जाएगा cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर माइनस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस t स्क्वायर d by dx आप t t को बदलो x स्क्वायर ना. तो ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा तो जाएगा 1 बाई 2 रूट 1 माइनस x स्क्वायर x स्क्वायर होल स्क्वायर x स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू 2 x है. तो 2 से 2 आपका कट जाएगा. टेबल क्या हो जाएगी? x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x रेट 4 को ये आपका हो गया d by dx sin इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x रेट टू 4 ये आंसर होगा. ठीक है. चलिए कॉपी कर लीजिए. देखिए आंसर आ रहा है. Part 2 y = tan inverse
माइनस एक्स और प्लस रूट वन माइनस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना। तो वाई स्क्वायर हो जाएगा टेन इनवर्स, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स इंटू रूट वन प्लस एक्स और प्लस रूट वन माइनस एक्स अपन रूट वन प्लस एक्स और प्लस रूट वन माइनस एक्स इंटू रूट वन प्लस एक्स, रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू y इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स, टेन इनवर्स और रूट ऑफ वन प्लस एक्स और होल स्क्वायर या फिर माइनस, ये प्लस कंजुगेट से करने क्या माइनस होगा, माइनस माइनस रूट वन माइनस एक्स होल स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट वन प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस रूट वन माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर जो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा ए प्लस बी, तो वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स और माइनस टू इंटू रूट ऑफ वन प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स अपन वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स है, तो हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, हो जाएगा एक्स एक्स कट जाएगा तो टू माइनस टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपन वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स, ठीक हो जाएगा वाई इक्वल टू टेन इनवर्स, टू कॉमन ले लीजिए तो वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टू टू से टू कर देगा, तो वाई को कितना हो जाएगा टेन इनवर्स वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है ये हो गया। अब चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो
पढ़ा लिया? चल लेफ्ट साइड देखे। अब इसमें एक्स इक्वल साइन थीटा दे रखा तो वाई परिवर्तन हो गया, यहां से वाई इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स वन माइनस, हाँ रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, रूट कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन साइन, तो रूट कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, यू गेट टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन, तो यू गेट टेन इनवर्स इसको लिख सकते हैं वन वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, कॉस थीटा का एक्सपेंशन होता है अपॉन साइन ऑफ थीटा, तो देखा टेन इनवर्स और वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू अपॉन टू साइन थीटा बाय टू इनटू कॉस थीटा बाय टू, ठीक है ये वन वन कट गया टू टू कट गया एक पावर कट जाएगा, क्या बनेगा टेन इनवर्स टेन ऑफ थीटा बाई टू हो जाएगा, तो थीटा बाई टू हो गया ना, थीटा की वैल्यू वापस कर दीजिए तो थीटा इक्वल क्या होगा साइन नो सेक्स, तो वन बाई टू साइन नो सेक्स हो गया, ये वाई इक्वल तो डी वाई बाई डी एक्स की तरह हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स इक्वल, ये आंसर हो जाएगा, ठीक दिस इज चलिए पार्ट थर्ड आ जाए, पार्ट थर्ड, हाँ देखिए करेंट डिफरेंशिएट टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन प्लस स्क्वायर माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज आपको डिफरेंशिएट करना, ठीक है तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करते हैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके, तो कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा टेन इनवर्स वाई स्क्वायर टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और फिर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है और होल अपॉन ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इनटू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है तो ये का वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ए ए ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर तो रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लगा देते हैं तो वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है माइनस
वन माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस टू इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, वन एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चीज चले हम इसको डिफरेंशिएट करिए, तो डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जगह माइनस वन बाय टू डी बाय डी टी साइन ऑफ टी डी टी बाय
ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पे कौन से ट्रोल पर लास्ट वर्ड कॉपी कर लिए, लेफ्ट साइड रख कर चल लेफ्ट साइड आ जाए। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन कार्टिनोस रूट वन प्लस एक्स वन वन एस एक्स होल स्क्वायर, ये लिखते हैं ठीक है। अब इसे एक्स स्क्वायर क्या मानते हैं, एक्स स्क्वायर टू चले देखिएगा साइन वाई इक्वल टू साइन थीटा बाय टू होल स्क्वायर है, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाय टू,
वैसे तो क्या सिस्टम होता है, जैसे कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, है ना। यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 इधर भी देखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये जैसे हैं कि यहां बॉयलर दीजिए तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस हां 1 माइनस cos ऑफ थीटा y 2 अपॉन 2 तो 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 cos ऑफ थीटा y 2 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 cos 1 बाय 2 थीटा, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान जो है cos इनवर्स x, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, d by dx of y इसको टू 0 1 by 2 d by dt cos of t, ठीक है, dt by dx तो कितना हो जाएगा, ये d y by dx इसको टू 0 0 minus 1 by 2 और ये लेगा minus sin t d by dx r, ठीक है। देखें चलो, हाँ, हाँ, तो 15 मिनट पढ़ने से तो नहीं